दोस्तों आज मैं अनबॉक्सिंग करने जा रहा हूँ ज़ायोन क्रेन V2। दोस्तों ये डिवाइस एक मोटराइज्ड 3-एक्सिस गिम्बल है और ये DSLR और मिररलेस जैसे हल्के कैमरे के लिए बना हुआ है, जिसको स्टेबलाइज करना नॉर्मली खुले हाथों से डिफिकल्ट होता है। चलिए देखते हैं कि जब इस गिम्बल को इंडिया में खरीदते हैं तो आपको इसके साथ क्या क्या मिलता है। दोस्तों मैं इसको ऑनलाइन ख़रीदा हूं, इसका कॉस्ट अराउंड 32,000 से 35,000 के अंदर होता है। सुनने में ये बहुत कॉस्टली लगता है, पर जो लोग अपने प्रोफेशनल वर्क को और बेटर करना चाहते हैं, अपने वीडियो को सिनेमेटिक लुक और मूवमेंट देना चाहते हैं, उनके लिए ये एक मस्ट बाय है। जी हाँ, 35,000 फॉर गिम्बल एंड अप टू 45,000 फॉर ए कैमरा, जो लगभग अराउंड 1,00,000 के आसपास का इन्वेस्टमेंट होता है, जो हॉबीस्ट हैं उनके लिए शायद ये महंगा हो, पर निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं। आप DJI Osmo ट्राई कर सकते हैं, मेरे पास वो भी है, मैं उसका अलग से अनबॉक्सिंग और रिव्यू बनाकर डालूंगा। सो स्टे ट्यून्ड। वैसे ज़ायोन क्रेन के दूसरे वेरिएंट भी मिलते हैं मार्केट में, पर V2 सबसे अफोर्डेबल है, या फिर आपको मोजा एयर लेना पड़ेगा जो अराउंड 38,000 का मिलता है। मैंने काफ़ी रिसर्च किया और ज़ायोन का रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा है। वैसे तो आपको इसके बॉक्स को देखकर ही पता चल गया होगा कि ये बहुत ही रगेड और टफ है। इसमें आप अपने गिम्बल को संभाल कर रख सकते हैं और कभी ये अगर आपके हाथ से गिर भी गया तो इसको कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। चलिए अब इसको ओपन करते हैं और इसके अंदर देखने की कोशिश करते हैं। दोस्तों अगर आप पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आने वाले समय में मैं बहुत से रिव्यूज़ कैमरा, फोटोग्राफी और सिनेमैटिक्स से रिलेटेड डालने वाला हूँ, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके अंदर स्पॉन्ज का खांचा सा बना हुआ है जिससे गिम्बल इधर उधर नहीं होता है, तो जैसा आप गिम्बल अंदर डालेंगे आपको खोलते वक्त ठीक वैसा ही मिलेगा। आप इस डिवाइस के लिए जितना पे कर रहे हैं या फिर खर्च कर रहे हैं इतना तो बनता ही था। सबसे पहले बैटरी और चार्जर देखते हैं। बैटरी पहले वाले गिम्बल यानी पुराने क्रेन V1 से ज़्यादा पावरफुल है। इसके पॉजिटिव और नेगेटिव साइड को ज़रा ध्यान से लगाइएगा, ये थोड़ा कन्फ्यूजिंग सा है, पर आप ध्यान से देखेंगे तो पता चल जाएगा। इसको चार्ज करने के लिए चार्जर भी दिया हुआ है, और जब ये बैटरी फुल चार्ज होती है तो आपको 8 आवर्स मैक्सिमम बैकअप देगी। चलिए अब मैं गिम्बल को बाहर निकालता हूँ। और इसमें 2 नॉब मिलेंगे जिसके सहारे आपके कैमरे को आप इसमें फिट कर सकते हैं, और इसके साथ एक लेंस सपोर्ट भी मिलता है। ये क्लिप है जो लगाकर आप अपने बड़े लेंसेस को, लंबे लेंसेस को आप अपने गिम्बल पे बैलेंस कर सकते हैं। यहाँ एक USB वायर भी है जो डायरेक्ट चार्जिंग के लिए है। इसमें माइक्रो टू माइक्रो USB वायर होना चाहिए था जो कि नहीं है, पर कोई बात नहीं, आप इसे बाहर से भी खरीद सकते हैं। चलिए अब इसको साइड में रख देते हैं।
पहले इसके हैंडल को देखते हैं, ये मेटल से बना हुआ है, पूरी तरह से प्रीमियम फील देता है। आप अगर इसको दूसरे किसी मेटल के साथ टकराते हैं तो ये मेटल सी आवाज़ आपको सुनने को मिलेगी। चलिए अब अंदर इसके बैटरी डालते हैं। याद रहे, बैटरी जैसे आप पुराने टॉर्च में डालते थे ठीक वैसे ही डालना है। अगर आपने बैटरी अपसाइड डाउन डाला तो ये स्विच ऑन नहीं होगा। अब ज़रा डिवाइस को नज़दीक से देख लें। पावर बटन है, एक मोड बटन है और एक बटन नुमा जॉयस्टिक भी है। साथ ही लेफ्ट साइड में एक मिनी यूएसबी है जिससे आप रिकॉर्डिंग स्टार्ट और स्टॉप कर सकते हैं। ज़्यादा बटन्स नहीं है पर जो है वो आपके काम के लिए काफ़ी है। इसको 3-axis स्टेबलाइजर इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें तीन जगह मोटर लगा हुआ है, जो कि है x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस। ये तीनों अपने अपने एक्सिस को स्टेबलाइज करता है। क्रेन V2 में ख़ास बात ये नॉब है जिससे आप कैमरे को आगे पीछे करके बैलेंस कर सकते हैं, जो कि पुराने वाले वर्जन में मिसिंग था। चलिए लगे हाथों मैं आपको अपने इस DSLR में फिट करके दिखा भी देता हूँ। मेरे पास एक सोनी का DSLR है, इसको देखिए मैं कैसे इसमें फिट करता हूँ। सभी कैमरे को इसी तरीके से फिट किया जाता है। आप अगर पहली बार इसको अपने हाथ में लेंगे तो ये कुछ हिलता विलता रहेगा, ऐसा लगेगा कि अंदर से कुछ टूटा हुआ है, पर घबराने की कोई बात नहीं, इसके अंदर मोटर लगा हुआ है और ये इसी का कमाल है। आपके कैमरे को बैलेंस करने के बाद जब ये स्विच ऑन हो जाता है फिर ये बहुत ही अच्छी तरीके से अपना काम करता है। पहले इसको बैलेंस करते हैं, जो कि ज़्यादा टफ नहीं है। ध्यान रहे, तीनों मोटर के पास एक नॉब जिसे आप बोल्ट भी कहते हैं लगा हुआ है, उसको एडजस्ट करके आप इसको बैलेंस करते हैं। और जब ये लगभग बैलेंस हो, जब ये किसी और ज़्यादा या कम झुका हुआ ना हो तो आप इसे स्विच ऑन कर सकते हैं। जैसे ही ये स्विच ऑन होती है इसमें ग्रीन LED ब्लिंक होती है, और जब इसमें बैटरी लो होता है तो इसमें रेड LED ब्लिंक होती है। जीयून को इसमें बैटरी परसेंटेज इंडिकेटर डालना चाहिए था जिससे कम से कम ये तो पता चलता कि इसमें कितनी बैटरी बची हुई है, पर नेवर माइंड। अब देखिए ये स्विच ऑन हो चुका है और कैसे कैमरे को स्टेबलाइज कर दिया है। के मूड और फीचर्स का मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, कुछ सिनेमैटिक स्टाइल और शोरील भी आने वाला है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय।